अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है तो उसकी इफ्तारी तैयार करेंगे। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने पहले ही उबाल लिया है और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी मैं डाल दूँगी चनों का। अभी मैंने प्याज लिए हैं और इन आलूओं को मैंने पहले से उबाल दिया था तो वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। और अब इसमें मैं लोबी ऐड करूँगी, इनको भी मैंने पहले से ही उबाल लिया है। अब मैंने इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें बूंदियाँ ऐड कर रही हूँ। बूंदियों की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लूँगी। नमक मैंने जब मैं चने उबाल रही थी उसमें भी डाला था, इसलिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड किया है। 1 टी स्पून चाट मसाला, 1 टी स्पून लाल मिर्च। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाट तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की है। तो अब हम दूध सोडा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है, इसमें मैंने चीनी ऐड कर लिया। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून रोज़ा ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 1 कप दूध ऐड कर लूँगी क्रीम। अब मैं इसमें 1/2 लीटर पेप्सी ऐड कर रही हूँ। अब दूध सोडा तैयार हो चुका है, मैं इसमें आइस क्यूब ऐड कर रही हूँ। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ऊपर से इसमें जब मिश्री डाल दी है। अब अफ्तारी तैयार हो चुकी है, तो अफ्तारी में मैंने चाट, गोश्त, समोसे, चटनी और दूध सोडा बनाया है। इसमें गोश्त की रेसिपी और समोसे की रेसिपी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इन रेसिपीज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं, आप इन रेसिपीज को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी बनी थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।